नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HTML ट्यूटोरियल के सेकंड पार्ट में। आज हम HTML के बारे में और कुछ चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि मैंने MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रखा है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैं बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वेब डेवलपमेंट में यूज नहीं होता, ना ही HTML पेज क्रिएट करने के लिए होता है। मैं बेसिकली आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मार्कअप लैंग्वेज का पर्पस क्या होता है। HTML जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आप देख रहे हैं, सपोज ये मैंने साइज डिफाइन किया, ये फॉन्ट है, और साइज 48.5 डिफाइन किया है। तो वर्ड में मैं जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे दिखेगा, ये इटैलिक्स में है, ये यहाँ पे मुझे स्पेस नहीं चाहिए तो मैं स्पेस कम कर सकता हूँ, ये मुझे और बड़ा चाहिए तो मैं बड़ा कर सकता हूँ, और हर तरह के, सपोज इसे मैं कलर करना चाहता हूँ तो यहाँ से कलर कर सकता हूँ, इस लाइन को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, अंडरलाइन करना चाहता हूँ, और थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस, ये सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसे मैं H1 टाइटल करना चाहता हूँ, H1, तो ये सारा, इसे H2 करना चाहता हूँ, और इस हेडिंग को मैं H3 करना चाहता हूँ, राइट। तो ये सारा, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये आपके सामने जो डॉक्यूमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, का जो स्ट्रक्चर है वो ये सारे टूल्स से हम डिफाइन कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, और उसके बाद हम इसे प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। प्रिंट आउट करेंगे तो जो हमने जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाया है इस वर्ड डॉक्यूमेंट का, वैसे ही प्रिंट आउट आपके सामने होगा, राइट। तो अब बात आती है HTML की। अब HTML फाइल्स ओपन होते हैं ब्राउजर में, ब्राउजर जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, ओपेरा क्रोम है, तो ये सारे ब्राउजर्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, बहुत सारे ब्राउजर्स है, और ब्राउजर पे जब खुलेगा तो ब्राउजर पे वो कैसे दिखना चाहिए, वो वेबसाइट ब्राउजर पे किस तरह से दिखना चाहिए, ये डिसाइड करता है HTML टैग। तो HTML टैग्स है वो डिसाइड करेगा कि ये टू कॉलम में बनना है और ये इटैलिक्स होना है, ये सारे। तो वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह आपको यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा कि इसको अंडरलाइन कर दे, इसको बोल्ड कर दे, या इसके साइज बढ़ा दे। तो उन सब के लिए जो भी फॉर्मेट हमने अभी माउस से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माउस यूज करते हुए हमने जो फॉर्मेटिंग की, वो सारा फॉर्मेटिंग HTML में हमें टैग्स यूज करके करते हैं, टैग्स यूज करते हैं। तो ये सारे जो है, ये टैग्स है जो आपके एंगल ब्रैकेट के अंदर है, ये सारे टैग्स है, राइट। और इन टैग्स से ब्राउजर को पता चलता है कि इसे हमने कैसे किस तरह से डिस्प्ले करना है। सपोज हम हमने कल ये देखा था कि एक HTML डॉक्यूमेंट, एक HTML फाइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है। ये सबसे पहले हमने आपको बताया था डॉक टाइप HTML होगा, जो डॉक्यूमेंट टाइप बताता है, और ये बता रहा है कि हम HTML फाइल, जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML है, वो यूज करने जा रहे हैं। फिर HTML डॉक्यूमेंट पूरा क्रिएशन होता है, और HTML के हर ऑलमोस्ट हर टैग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स करते होते हैं। अगर आपने ओपन किया है तो फिर आप क्लोज करेंगे, और क्लोज करने का तरीका होता है फॉरवर्ड स्लैश, यही डिफरेंस होता है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के बीच में। ओपनिंग टैग्स में कोई फॉरवर्ड स्लैश नहीं होता, सिंपल एंगल ब्रैकेट के अंदर होते हैं, और क्लोजिंग टैग्स में फॉरवर्ड स्लैश होता है उसी टैग के पहले, उसी सेम कीवर्ड सेम होगा, उसी कीवर्ड के पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, दैट मींस ये क्लोज हो चुका है।
और फिर उसके अंदर आता है हेड टैग, हेड और यहाँ क्लोज करते हैं हम हेड को, और दूसरा पार्ट होता है बॉडी टैग। तो हेड एंड बॉडी ये दो पार्ट होते हैं, मैं बी के लिए ये हटा देता हूँ। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है आपके एक एचटीएमएल फाइल का, और इस पार्ट को जो हेड पार्ट है इसमें कई चीजें आएंगी। एक टाइटल आप देख चुके हैं लास्ट क्लास में, और भी कई चीजें आएंगी, मेटा टैग्स वगैरह, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। बेसिकली इसे इनविजिबल पार्ट कहा जाता है, क्योंकि ये आपके ब्राउजर के बॉडी में नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप जो भी टैग्स यूज करोगे वो आपके ब्राउजर के बॉडी में नहीं दिखेगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल हम इसी को ले लेते हैं टाइटल, और ओपन किया है तो क्लोज करेंगे, टाइटल यहाँ पे क्लोज कर दिया हमने, कैपिटल कर लेता हूँ, और ये टाइटल टैग जो है हेड के अंदर यूज कर सकते हैं, और इसे सेव करके, सेव करना पड़ेगा राइट, और ब्राउजर ओपन करते हैं, कंट्रोल ओ प्रेस करता हूँ ओपन करने के लिए, और ई ड्राइव HTML में फोल्डर बना रखा है HTML, और यहाँ फर्स्ट क्लास के नाम से ये फाइल है। यहाँ पे पूरा फाइल आपके सामने ब्लैंक है राइट, ब्लैंक फाइल है, और यहाँ पे आपका जो ये है ये हमारा लोकेशन है राइट, और ये टाइटल यहाँ पे शो कर रहा है इन भी जो हमने टाइटल, लेकिन बॉडी पार्ट में कुछ भी विजिबल नहीं है, बॉडी बिल्कुल ब्लैंक है, क्योंकि हमने बॉडी पार्ट में अभी तक कुछ डिफाइन नहीं किया। अब हमने जो वर्ड में तो ये टेक्स्ट दिया इससे हम ले लेते हैं एलटी, पूरा का पूरा ले लेते हैं, कॉपी करते हैं और इसे बॉडी के अंदर, बॉडी को हमने फिल कर दिया तो बॉडी के अंदर क्या आ रहा है राइट, सेव करते हैं और फिर क्रोम में जाके इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये सारा जो डेटा था वो फिल हो गया इस पेज पे, लेकिन जो फॉर्मेट हमने एमएस वर्ड में किया था वो फॉर्मेट यहाँ पे नहीं था, और क्यों, क्योंकि ब्राउजर जो भी है आपका ब्राउजर, चाहे क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई भी ब्राउजर होगा, वो फॉर्मेटिंग टैग्स से ही समझता है। अगर उसे टैग्स हमने दे दिया वो टैग्स को रीड करके फिर ही इस पेज को स्ट्रक्चर करेगा। तो एचटीएमएल बेसिकली एचटीएमएल पेजेस को ब्राउजर में स्ट्रक्चर करता, सही स्ट्रक्चर में उसके जो लेआउट हमने सोच रखा है उस लेआउट में उसे प्रेजेंट करता है। चलिए तो फिर पहला जो ये है इसे हमने लास्ट टाइम भी किया था, H1 हेडिंग टैग के अंदर लिखते हैं, यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे इसे क्लोज भी करेंगे। चलिए अब इसे सेव करते हैं और अब क्रोम को रिफ्रेश कर, आप जैसे चीजें देख रहे हैं ये नॉलेज। मैं हर क्लास में कुछ टैग्स, बहुत ज्यादा टैग्स में नहीं दूंगा, जो कॉमन मोस्ट कॉमन टैग्स है जो आपको एक पेज लेआउट फॉर्मेट करने के लिए चाहिए होता है वो मैं कवर करूंगा, ताकि जल्दी से एचटीएमएल खत्म करके हम सीएसएस स्टार्ट कर सके। और बहुत सारे टैग्स है, टैग्स इतने हैं कि आप मेरा यकीन कीजिए आप सारे टैग्स कभी भी यूज नहीं करें, आप क्या कोई भी कभी भी यूज नहीं करें। तो इसमें फायदा इसी में है कि हम सबसे कॉमन टैग्स जो है वो जल्दी से सीख लें और वेबसाइट डेवलपमेंट जल्दी से शुरू कर दें, और जैसे हम वेबसाइट डेवलप करना शुरू कर देंगे तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर, तो वो ऐड होता जाएगा। मैं आपको एक स्टार्ट दिला रहा हूँ जिससे कि आप एक जूनियर लेवल के वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं, और उसके बाद
एक्सपीरियंस गेन करते रहेंगे, आप काफी बुक्स भी खरीदने होंगे आपको, और उससे आप टैग्स और बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब H1 हम कर चुके हैं पहले पिछले क्लास में, अब मैं कुछ और आपको पैराग्राफ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस लाइन एक पैराग्राफ में हमें रखना है, वो बी टैग यूज करेंगे और यहाँ पे मैं बता दूं, चलिए यहाँ पे एमएस वर्ड का फॉर्मेट तो नहीं लिया ब्राउजर ने, क्या यहाँ पे जो सबलाइन टेक्स्ट पे अगर मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ तो वो ले लेगा। चलिए मैं यहाँ पे स्पेस चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर, फॉर्मेटिंग करते हैं एमएस वर्ड में स्पेस के लिए, मैंने ये भी स्पेस ये लाइन यही चाहिए, ये लाइन यही चाहिए और इसके बाद स्पेस यहाँ पे एंटर कर देते राइट, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे देते और इसे सेव करते हैं, ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। कोई चेंज देखा आपने? कोई भी चीज तो ब्राउजर, जैसा मैंने बताया ब्राउजर जो है HTML मार्कअप लैंग्वेज, तो जो टैग्स है उनसे ब्राउजर फॉर्मेटिंग करेगा हमेशा, जो टैग्स को रीड करेगा ब्राउजर और उसके हिसाब से वो फॉर्मेट करेगा। अब हम चाहते हैं इसे पैराग्राफ में लेना, तो हम पी टैग यूज करते हैं, यहाँ पे पी टैग क्लोज कर देते हैं क्योंकि यहाँ तक हमें पैराग्राफ चाहिए, अब सेव करते हैं, ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये हमें एक स्पेस आ गया, व्हाइट स्पेस हमें मिल गया। पैराग्राफ बेसिकली क्या करता है, पी टैग जो है वो व्हाइट स्पेस देता है, जो व्हाइट स्पेस ब्लैंक स्पेस जो यहाँ पे क्रिएट हुआ वर्ड के ऊपर वो व्हाइट स्पेस देता है। अगर सपोज हमें ये लाइन जो है दूसरी लाइन भेजेंगे इसके नीचे, यहाँ पे जो लाइन, यहाँ पे हमें लाइन ब्रेक करना पड़ेगा राइट, लाइन ब्रेक का टैग है VR, तो हमें यहाँ पे लाइन ब्रेक करना पड़ेगा, एंटर हम प्रेस करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया अगर हम यहाँ जाके एंटर वर्ड में एंटर प्रेस करते हैं तो लाइन ब्रेक हो जाता है, करते हैं और लाइन ब्रेक, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ब्राउजर को सिर्फ और सिर्फ टैग से मतलब, तो यहाँ पे आके हम बी आर टैग जो नया मैं आपको बता रहा हूँ आज का पहला जो टैग है वो बी आर टैग है। बी आर टैग क्या कर रहा है, लाइन ब्रेक, और ये याद रखिए बी आर टैग ऐसा है जिस जगह आपको लाइन ब्रेक चाहिए वहां पे आप बी आर टैग दे दीजिए, और बी आर टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा राइट। तो जैसे एक बी आर टैग का मतलब होता है कि एक लाइन ब्रेक आपको मिल गया, तो अब आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देख रहे हैं जो लाइन इधर था वो यहाँ आ गया, अब हमें ये लाइन भी नीचे चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे बाय बी आर, तो यहाँ पे तो यहाँ पे हम बी आर टैग लिखेंगे, यहाँ से लाइन ब्रेक होगा, ब्राउजर को पता चलेगा कि यहाँ पे लाइन ब्रेक करना है, अब रिफ्रेश करते हैं, ये लाइन ब्रेक यहाँ बीआर टैग से ये लाइन ब्रेक हो गया। सपोज आपको यहाँ पे यहाँ पे एक दो तीन लाइन ब्रेक और चाहिए तो आप इसके बाद लाइन के बाद तो आप बीआर टैग रिपीटेडली भी यूज कर सकते हैं, कैप से कुछ नहीं होने वाला, आपको टैग से ही बताना होगा। तो मैंने कॉपी कर लिया बीआर टैग, अब बीआर टैग में चाहो ऐसे लिख लू तो लाइन आएगा, तो क्या फिर मैं अगर एक ही लाइन पे लिखू तब भी मीनिंग सेम है, ब्राउजर एक एक करके टैग को रीड करता है
रेक्ट है, ये बी आर आ गया, एक लाइन ब्रेक देना है, दूसरा बी आर आ गया और एक लाइन ब्रेक देना है, तीसरा आ गया और एक लाइन ब्रेक देना है। तो इस तरह से ब्राउजर आपको लाइन ब्रेक देता जाएगा। आपको ये जरूरत नहीं कि आपको यहाँ लाइन ब्रेक में ही टैग बताने हैं। तो इसे हम प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं ये बी आर से लाइन। एक आखिरी चीज जो आज मैं बताना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप ये ऐसे ही फॉर्मेट लेके प्रैक्टिस करते रहे। और आज के लिए एक आखिरी चीज जो मैं बताऊंगा वो है कमेंट्स। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कमेंट लाइन जो होता है वो एक तो आपके खुद के लिए होता है, या फिर किसी और प्रोग्रामर को, किसी और डेवलपर को आप अपना फाइल शेयर करते हैं तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक नोट की तरह होता है कि आप ये देखो और आपको समझ आ जाएगा बहुत जल्दी कि कहाँ पे क्या है। तो कमेंट्स के लिए हम सबसे पहले एंगल ब्रैकेट यूज करेंगे, फिर एक्सक्लेमेशन साइन और दो हाइफन। जैसे ही मैंने ये किया, ये सारा आपने देखा होगा कलर चेंज हो गया, अब ये सारा कमेंट के अंदर आ गया। और अब अगर मैं सेव करता हूँ, ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये कुछ भी शो नहीं करेगा, क्योंकि कमेंट का मतलब है कि आपको पेज में शो नहीं करना, ये इंटरनल है, मेरा खुद के लिए है, खुद मुझे देखना है। तो यहाँ पे हमें ये चाहिए, हमें ये शो करना है, सब कुछ शो करना है। तो ये यहाँ मैं देता हूँ कमेंट कमेंट, ठीक है, और इसको यही क्लोज कर देते हैं ताकि बाकी के सारे ओपन। और यहाँ पे क्लोजिंग का इसका है डबल हाइफन और राइट एंगल ब्रैकेट, राइट। तो ये क्लोजिंग नॉर्मली टैग्स में भी एंगल ब्रैकेट से यूज हो रहे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के लिए, लेकिन कमेंट्स के लिए हम ओपनिंग में एक्सक्लेमेशन साइन और दो हाइफन लेंगे और क्लोजिंग में सिर्फ दो हाइफन लेंगे और दोनों करते रहेंगे। अब एक और यूज है, ये तो ये कमेंट हो गया। सपोज मुझे ये पार्ट अभी, क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग किया इतना ही है तो ये रहने देते हैं, और इसके नीचे जो है ये हमने फॉर्मेटिंग किया नहीं लगता, तो मैं नहीं चाहता कि ये शो हो अभी के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे भी फॉर्मेटिंग करेंगे तो हम शो करेंगे, अभी के लिए हम शो नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे मैं इसे लिखूंगा सिंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन, और ये बाय डिफॉल्ट एंड तक ये हो चुका है, फिर भी इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर ये हो गया। और एक लाइन यहाँ पर आई हैव intentionally commented out these sentences for later use, right? तो ये मैंने comment किया ताकि यहाँ नाम ले सकते हैं। अब क्या होगा कि अब अगर कोई और प्रोग्रामर इसे यूज करेगा तो वो हमारी टीम में से वो चार लोग काम कर रहे हैं एक ही प्रोजेक्ट में, तो उनको दिख जाएगा कि इस प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, इनका कमेंट ये है कि ये इन्होंने बाद में यूज करने के लिए दिया है। तो ये कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन पूरी टीम के लिए कमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, राइट। तो चलिए इसे एक बार सेव कर लेते हैं और ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, राइट। तो ये पार्ट शो कर रहा है, अभी तक इतना फॉर्मेटिंग है, अभी आज इतना ही करेंगे। इसमें बस आपने कमेंट पे हम लिख सकते, यस्टरडे वी लर्न अबाउट HTML पेज स्ट्रक्चर, राइट। स्ट्रक्चर के बारे में पूरा हमें पता चल गया,
एंड हमने सीखा पी टैग्स, राइट, पी टैग्स एंड एच वन एच टू सारे किए, तो हेडिंग टैग्स है, हेडिंग हेडिंग टैग्स ये हमने किया था कल, राइट। और एक ले सकता हूँ, एक फिट होने वाला नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टुडे लर्न अबाउट सम मोर टैग्स, राइट, व्हाइट स्पेस, क्योंकि ये ऑलरेडी कर चुके हैं, व्हाइट स्पेस कहाँ से आता है, पी टैग्स, राइट। और हमने किया कमेंट्स, कमेंट्स टैग, राइट, जिसके अंदर अभी हम लिख रहे हैं। और फिर हमने किया लाइन ब्रेक, जो कि बी आर टैग्स होता है, बी आर टैग्स को क्लोज करने की जरूरत है। चलिए आज के लिए मुझे लगता है यही रोकते हैं हम, बाकी कल करते हैं। और आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं सही तरीके से कुछ भी अगर समझा नहीं पा रहा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उससे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और जरूरत पड़ा तो दोबारा वीडियो बना के भी अपलोड करूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपकी YouTube नोटिफिकेशन में वो आ जाए और आप तुरंत उसको देख सकें। थैंक यू, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।